हेलो नमस्कार, माय नेम इज सतपाल पांचाल और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है कोरल ड्रॉ, और इससे पहले भी हम कोरल ड्रॉ के ऊपर 4 वीडियो बना चुके हैं। ये कोरल ड्रॉ का वीडियो पार्ट नंबर 5 है। इसमें हम आज बात करेंगे इफेक्ट मेनू के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोरल ड्रॉ ओपन करेंगे और मैं आपको बता दूँ, इससे पहले की वीडियो में हम फाइल एडिट व्यू लेआउट अरेंज के बारे में बता चुके हैं अच्छी तरह से, और टूल बता चुके हैं। यदि आपने इनके रिगार्डिंग कोई वीडियो लेनी सॉरी वीडियो देखनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, या आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके भी इनको चेक कर सकते हो। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है इफेक्ट मेनू के ऊपर, और इफेक्ट मेनू पे जब आप क्लिक करते हो, यहाँ पर ध्यान दें इफेक्ट मेनू पे, तो इसमें ऑप्शन है यहाँ पर एडजस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन और करेक्शन। ये तीनों ऑप्शन देखो, जब आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ चल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूँ ये चलेंगे नहीं, ऐसे नहीं चलेंगे। अब आप कहोगे कोई ड्राइंग सेलेक्ट कर लेते हैं, चलो कोई ड्राइंग सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। ये हमने कोई ड्राइंग बनाई है, और ड्राइंग बनाने के बाद हम सोच रहे हैं कि इनमें से कोई टूल इस पे चलाएं, तो इफेक्ट मेनू में आप देखोगे तो ये तकरीबन नहीं चल पाए हैं। देखो ये जो टूल होते हैं, मैं आपको बता दूं, ये जो टूल वर्क करते हैं किसी इमेज के ऊपर काम करेंगे, फोटो के ऊपर। और फोटो के ऊपर कैसे करेंगे, अब वन बाय वन चेक करते हैं। अब हम सबसे पहले तो फोटो इंसर्ट करो आप अपने पेज पर। कोई फोटो इंसर्ट कर लिया आपने, फोटो इंसर्ट करने के बाद अब आप इस पे टूल इफेक्ट सॉरी इफेक्ट का टूल यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले एडजस्ट, एडजस्ट में देखो तो ये सारे ऑप्शन आपके चल चुके होंगे। देखो मैं आपको बता दूं, ये सभी ऑप्शन फोटो पे इफेक्ट डालने के लिए हैं। फोटो पे इफेक्ट जैसे कि लाइट करना है, डार्क करना है, कंट्रास्ट, टोन कर्व, ऑटो इक्वलाइजेशन, बैलेंस कलर, ये फोटो को इफेक्ट डालने के लिए होते हैं। मैं एक दो करा देता हूँ, और ऐसे तो आजकल ऑप्शन हमारे मोबाइल में भी आने लग गए हैं, लेकिन इसका जो काम है फोटोशॉप में बड़ी अच्छी तरह से होता है। लेकिन यहाँ भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है मुझे इसी फोटो पे कोई इफेक्ट करना है। जैसे सबसे पहले हमने कंट्रास्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर कंट्रास्ट पे, तो कंट्रास्ट यहाँ पर देखो आपने कंट्रास्ट जो है कितना सॉरी ये गामा है, आप ऐसे गामा की वैल्यू चेंज करोगे और यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपकी फोटो पे इफेक्ट नजर आएगा, ठीक है। आप नॉर्मल करो सॉरी आप कैंसिल करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यदि आपने प्रॉपर्टी इसकी कम ज़्यादा करनी है, देखो वहाँ से प्रॉपर्टी कम ज़्यादा हो रही है, तो आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो फोटो में देखो जो प्रॉपर्टी है उसकी चेंज हो रही है। देखो फोटो पे कंसंट्रेट करो, थोड़ा डार्क होती जा रही है, ठीक है, थोड़ा क्लियर होती जा रही है, ठीक है। ये भी टूल बड़े काम आते हैं फोटो को इफेक्ट करने में। तो यहाँ से अगर आपने कोई इफेक्ट डालना है कलर का, जैसे रेड का आपने इफेक्ट ज़्यादा डालना है, ठीक है, तो यहाँ से कैपेसिटी आप इंक्रीज व डिक्रीज कर लेना पहले। तो आपने ऐसे कुछ कैपेसिटी इंक्रीज करी इसकी और अप्लाई, तो ये तो ब्लू कलर आ गया आई थिंक, यहाँ से देखते हैं। तो रेड कलर का इफेक्ट आता है, गामा से आएगा क्या, एक बार देख लेते हैं। हाँ देखो गामा से आ रहा है, तो यहाँ पर ये रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट किया था। अब ब्लू पे क्लिक करो, ठीक है, तो अब ब्लू इफेक्ट आएगा इस पे, ठीक है। तो इस प्रकार आप कंट्रास्ट में एडिट कर सकते हो अपनी फोटो को। यदि आपको लगता है भाई मुझे इतना करना था तो ओके कर देना, अदरवाइज कैंसिल कर देना, इसको नॉर्मल हो जाएगी आपकी फोटो। नेक्स्ट है इसी के अंदर, देखो अगर सारे कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मेन मेन से करा देता हूँ। जैसे टोन कलर होता है आपका, और टोन में क्या होता है, जैसे ब्राइटनेस देने के लिए इसका यूज होता है। इस प्रकार आपकी ये विंडो खुलती है इधर, और यहाँ पर आपको कर्व बनानी होती है। जैसे ऐसे आपने इधर किया तो यहाँ देखो लाइव प्रीव्यू नहीं चल रहा, अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं, उसका लाइव प्रीव्यू आपको नजर आ जाएगा। नहीं आ रहा, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पर आएगा इसका लाइव प्रीव्यू, नहीं प्रीव्यू पे क्लिक करना पड़ेगा शायद, तब जाके ये प्रीव्यू दिखाएगा। हाँ तो यहाँ से आप ऐसे क्लिक करोगे तो प्रीव्यू दिखाएगा, और आप चाहते हो कि नहीं डायरेक्ट फोटो पे दिखाए तो यहाँ पर आप क्लिक करो तो ये फोटो पे दिखाएगा, और इसको भी बंद कर दो आप, हमें नहीं चाहिए, हमें इस फोटो पे चाहिए डायरेक्ट, तो ऐसे फोटो पे प्रीव्यू दिखाएगा ये ऐसे, ठीक है। ये टोन कर्व है आपकी, जिसमें आप ब्राइटनेस या डार्कनेस देते हो अपनी पिक्चर को। नेक्स्ट है
इफेक्ट मेनू में एडजस्ट ब्राइटनेस कंट्रास्ट आप दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको सोच रहे हो कि भाई मुझे नहीं सॉरी वो करना आता, तो आप ऑटो इक्वलाइजेशन पे आप क्लिक कर देना, तो आपके जो कलर और ब्राइटनेस है वो ऑटो करेक्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। गामा कलर बैलेंस, कलर बैलेंस यदि आपको देखो कलर जो होते हैं आपके ऐसे सियान, रेड, मर्जेंटा, ग्रीन ऐसे कुछ दे रखा, देखे जैसे आपने मर्जेंटा पे इधर क्लिक कर दिया, ठीक है, मर्जेंटा की प्रॉपर्टी आपने ज़्यादा कर दी तो मर्जेंटा इफेक्ट इस पे आ जाएगा। रेड की अगर आप प्रॉपर्टी यहाँ पर करते हो तो रेड की प्रॉपर्टी ज़्यादा करोगे तो रेड इफेक्ट आएगा, ब्लू की करोगे तो ब्लू आएगा। कलर बैलेंस ठीक है, अब ग्रीन कर दिया आपने तो ये ग्रीन का इफेक्ट आएगा पिक्चर पे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा, सॉरी पिक्चर नहीं सिलेक्ट हुई, गामा, ये भी ब्राइटनेस देने के लिए होता है, ऐसे आपका ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा चेंज कर सकते हो वाइटनेस के लिए। नेक्स्ट है सेचुरेशन, हुई लाइट, ये भी यही होता है। जैसे कलर आपने देखो यहाँ पर आफ्टर बिफोर पे ध्यान देना, प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो जो कलर होते हैं ना आपके वो जो है रिप्लेस हो जाते हैं या आगे पीछे हो जाते हैं, और कलर की प्रॉपर्टी कितनी रखनी है वो आप यहाँ से डार्कनेस और ऐसे लाइटनेस कर सकते हो, तो उसी अकॉर्डिंग आपकी कलर आएगी। सेचुरेशन देखो ये सेचुरेशन है, इसमें कलर डार्क और लाइट होते हैं, ये हुई है, मतलब हुई में क्या होता है आपके जो कलर होते हैं ना देखो रिप्लेस हो जाते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको थोड़ा वाइटनेस देते हैं हम, देखो कलर जो है आपके चेंज हो गए, देखो ऑरेंज कलर या कुछ जहाँ पर ऐसा कुछ था, तो यहाँ से भी आप कोई इफेक्ट डाल सकते हो, येल्लो का इफेक्ट डालना है तो वो डाल सकते हो, तो आप करके देख लेना। फोटो इफेक्ट डालने के लिए इनका यूज़ होता है। ऐसे आपका ये रिप्लेस है, ये है सॉरी रिप्लेस, सेंसिटिव कलर, कलर बैलेंस, ये सारे फोटो पे इफेक्ट डालते हैं। आगे भी आया है कुछ ऐसे ही है, आगे है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन सॉरी ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में क्या है सबसे पहले डिलीटल सॉरी एक्स, इसमें क्या होता है आपका इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो हल्का सा इफेक्ट पड़ेगा और ये आपको जूम से पता लगेगा, ऐसे आपको नहीं पता लग पाएगा। मैं इसको जूम कर देता हूँ पिक्चर को, ये मैंने पिक्चर को जूम किया है, और अब देखते हैं डेल्टा एस पे जाके कहाँ गया हमारा ट्रांसफॉर्म। इसमें देखो ओड लाइन और इवन लाइन, ऐसे आप और जैसे ओड लाइन पे क्लिक करोगे, प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, देखो हल्का सा इफेक्ट हो रहा है, हल्का सा। और डुप्लीकेशन पे जाएंगे तो इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर थोड़ा धुंधली हो गई है पिक्चर, और शायद आपको वीडियो में ना क्लियर हो रहा हो, लेकिन जब आप खुद करोगे ना तब आपको इफेक्ट नज़र आएगा इस चीज़ का, यहाँ पर धुंधली हो गई है थोड़ा। इवन पे क्लिक करेंगे तो इवन में वो जो इसकी पिक्सल्स होते हैं उनकी लाइनिंग जो होती है वो चेंज हो रही है, अगर आप खुद करोगे तो ज़रूर दिखेगा आपको, शायद वीडियो में आपको इफेक्ट ना नज़र आ रहा हो। आगे है हमारा ट्रांसफॉर्म में ही इन्वर्ट, इन्वर्ट होता है अपोजिट कलर, उल्टे कलर देखना, जैसे हर एक कलर का एक अपोजिट कलर होता है, तो हम देखना चाहते हैं इसके नेगेटिव कलर अपोजिट कलर कौन से हैं, तो ये वो अपोजिट कलर हैं, हर एक कलर का एक अपोजिट कलर होता है वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। नॉर्मल करना है तो वापस आप उस पर क्लिक कर दोगे तो ये आपको नॉर्मल में दिखाई देगा। करेक्शन में क्या होता है, डस्ट एंड स्क्रैच के बारे में बता रहा है, यदि आपकी फोटो के अंदर डस्ट एंड स्क्रैच कुछ है ऐसा, मतलब हल्के से छिपाने हैं आपने, तो आप इनकी वैल्यू जो है चेंज करोगे। वैल्यू को चेंज करते हैं तो यहाँ पर देखो एक हल्का सा इफेक्ट आएगा, यहाँ पर स्क्रैचेस आपके दिखने लग गए हैं आई थिंक, और कुछ करके देखते हैं। देखो फोटो जो है आपकी उस पर इफेक्ट आ रहा है हल्का सा, सॉरी ज़्यादा ही धुंधली हो गई है, तो देखो इफेक्ट आ रहा है, बता तो ये रखा है कि डस्ट एंड स्क्रैच, लेकिन इसमें ना आपकी फोटो ब्लर हो रही है या सेचुरेशन जो होता है आपका वो इफेक्ट आ रहा है इस पे, थोड़ा हार्डनेस आ रही है पिक्चर में, करके देख लेना आप कितना
क्योंकि जब तक लाइव नहीं करके देखोगे तब तक आप लोगों को इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। देखो अगर आपको बिल्कुल इफेक्ट दिखाना है तो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ये इफेक्ट होता है। तो धुंधला करना कोई ज़रूरी नहीं है कि धुंधला ही करना होता है, हर एक टूल का एक अपना यूज़ होता है, ठीक है। हाँ उस टूल को यदि आप आवर यूज़ करोगे, ज़्यादा यूज़ करोगे तो फोटो को ख़राब ही करेगा, लेकिन जो टूल बनाए गए हैं कोई पर्टिकुलरली वर्क के लिए ही बनाए गए होते हैं, धुंधला करने के लिए तो ऐसे ख़राब करने के लिए नहीं बनाए गए होते। आगे देखते हैं हमारा, अच्छा ये हो गए हमारे, ये तीनों फोटो पे चलते हैं हमारे। और आगे है देखो आर्टिस्टिक मीडिया ब्लेंड कंटूर एनवलप एक्सट्रूड, ये वाले टूल में आपको वैसे टूल ऑप्शन है यहाँ पर, लेकिन टूल ही है यहाँ पर, आपको करा चुका हूँ यहाँ पर। देखो ये आपका ब्लेंड है, कंटूर और डिस्टोर्शन एंड शेडो है, ये एनवलप है, एक्सट्रूड है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो चुकी है, और आर्टिस्टिक मीडिया है आपका यहाँ पर, कहाँ है इसके अंदर है, ये आर्टिस्टिक मीडिया है, आपको किसी ना किसी वीडियो में हमने ये जरूर कराया है, लेकिन यहाँ पर दोबारा आ चुका है आपका। तो ये आपको मैं बता देता हूँ ये दोबारा क्यों आया है, पहले फोटो को डिलीट कर लेते हैं। देखो अगर आप कोई भी टूल इनमें से यूज करते हो, जैसे सॉरी टूल नहीं, ब्लेंड की बात कर रहा हूँ या कंटूर की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपने यूज कर लिया कोई, जैसे इधर से ही लगा लो कि आपने ये वाला टूल ब्लेंड यूज कर लिया यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, हो गया। लेकिन मैंने आपको जब ये कराया था ना तभी आपको ये प्रॉपर्टी करा दी थी कि यहाँ से आप स्टेप्स कम ज़्यादा कर सकते हो, ये मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक यही काम अब ब्लेंड यानी इफेक्ट में जाके आप इस पे, यानी जो ब्लेंड टूल आपने लिया इस पे क्या इफेक्ट करना चाहते हो आप, यहाँ पर आप आओ ब्लेंड, सॉरी पहले तो आर्टिस्टिक मीडिया था, कोई बात नहीं, पहले ब्लेंड दिखा देता हूँ मैं आपको। ब्लेंड पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर एक विंडो खुलती है, देखो तो यहाँ पर क्या है, देखो ये पहला है नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपने स्टेप्स कितने रखने हैं, तो यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर लाइव प्रीव्यू नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, जब आप अप्लाई करोगे तब आपका यहाँ पर प्रीव्यू आएगा, लेकिन यहाँ पर जब हम करते हैं यहाँ पर हमारा लाइव प्रीव्यू दिखता है हमें, ठीक है। जो काम यहाँ से आपको मैंने बताया था, यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हो, देखो कलर चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और एक्सेलरेट कर सकते हो आप, एक्सेलरेट मतलब गैपिंग दे सकते हो, देखो गैप आ रहा कलर में भी और उसमें भी, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ लेकिन फिर भी दोबारा रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन है, देखो वही आपका, तो यहाँ पर एक्सेलरेट करोगे आप इसको ऐसे, तो यहाँ पर अप्लाई, और अप्लाई करोगे तो यहाँ पर इफेक्ट आएगा, ठीक है, ऐसे। आगे है हमारा ये कलर होगा जरूर, देखो ब्लेंड कलर कौन सा रखना है, ये रखना है आपने, अप्लाई पे क्लिक करो तो यही वाला कलर आएगा, और टू कलर पे क्लिक करोगे तो ये टू कलर आएंगे आपके, ठीक है, और यही कलर मैंने आपको यहाँ चीज ये बताई थी। तो यानी ब्लेंड टूल जो आपने यूज किया है उस ड्राइंग के ऊपर इफेक्ट डालने के लिए इस विंडो का यूज होता है, और इसे हम डॉकर विंडो भी बोल सकते हैं, ब्लेंड की डॉकर विंडो खुली हुई है ये, ठीक है। यहाँ से भी कट कर सकते हो आप इसको, और आप यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे अब आर्टिस्टिक मीडिया पे क्लिक करते हैं, तो आर्टिस्टिक मीडिया पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पर देखो ये टूल जो है आपके प्रॉपर चल नहीं रहे, और यहाँ पर एक एरर भी आ रहा है, द आर्टिस्टिक मीडिया टूल कैन नॉट बी यूज, ठीक है। तो मतलब पहले क्या आपको आर्टिस्टिक मीडिया टूल जो है यूज करना पड़ेगा, कोई ना कोई टूल, जैसे यहाँ से आपको सेलेक्ट करके इनमें से कोई भी इफेक्ट आप को यूज करना पड़ेगा। सपोज करो आपने ये यूज कर लिया, मैं लिख देता हूँ रवि, नहीं लिखा ही नहीं जाएगा कोई बात नहीं, ऐसे ही देख लेते हैं हम सिंपल, मैंने ऐसा कुछ लिखा लिखा ही नहीं है तो लाइन लगाई मैंने तो सिर्फ, ठीक है। अब इसकी शेप जो है आपको नहीं पसंद है, वैसे तो मैं आपको यहाँ पर ये करा चुका हूँ जब आपको ये टूल कराए थे, यहाँ पर एक एक चीज़ करा चुका हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है आपको हर एक चीज़ कराई गई है, और अब यहाँ पर भी वही चीज़ है। अब इस टूल पे यानी जो ये टूल है सॉरी ये जो शेप ली है आपने, इस पे आप इनमें से कोई और इफेक्ट देना चाहते हो, भाई इनमें से मुझे ये वाला इफेक्ट नहीं लेना, ये वाला लेना है, ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा, या ये वाला लेना है, ये वाला लेना है, ठीक है। एक मिनट में दो तीन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला आ जाएगा, ठीक है, और इसमें सारे आ जाते हैं। यहाँ तो हमारा कैटेगरी वाइज होता है अलग अलग, यहाँ पर हमारा कैटेगरी वाइज होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी इफेक्ट हैं वो सारे हमें यहाँ पर शो हो जाते हैं,
तो हम उसको किसी भी इफेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यदि हमने एक बार टूल ले लिया और वो हमें पसंद नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पर आके उसकी शेप चेंज करके, स्टाइल चेंज करके देख सकते हो। अगर ठीक लगता है तो लगा लो, अदरवाइज रहने दो। आपका जो पहले लगाया वो भी बेटर है, तो आप कोई भी लगा लेना। देखो मैं अगर एक एक लगाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये था यहाँ पर इफेक्ट आपका, किसका था ये, आपका आर्टिस्टिक मीडिया, ठीक है। दोनों एक्टिव हैं तो ये दोनों पे टिक मार्क आया हुआ है। आपको ये हटानी है तो ऐसे चली जाएगी, देखो यहाँ से चली गई, ब्लेंड एक्टिव हो गया, यहाँ से ये कट कर दो तो ये भी चले जाएंगे आपके। नेक्स्ट है कंटूर, जैसे ब्लेंड पे होता था ऐसे ही कंटूर पे है। चलो कंटूर पे भी एक बार चला के दिखा देते हैं आपको। ऑब्जेक्ट लेना है आपने, ऑब्जेक्ट लेने के बाद उसके अंदर आपको कंटूर टूल जो है यूज करना है। यूज करने के बाद अगर आपको कोई कलर करना है करो, नहीं करना है मत करो, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा आपका। फिर मैंने आपको यहाँ पर सिखाया था कि यहाँ से आप इनसाइड आउटसाइड या स्टेप्स जो है कम ज़्यादा कर सकते हो, हो भी रही है देखो। यहाँ से गैपिंग ले सकते हो स्टेप्स के बीच में, कितनी देनी है कितनी नहीं देनी है। और ये कलर है, ठीक है, यहाँ से आप कलर अपने अकॉर्डिंग चूज करते हो। सेम यही चीज़ यहाँ पर आप कंटूर में आएगी आपकी। कंटूर पे आपने क्लिक किया, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर एक विंडो खुल रही है आपकी, ठीक है। तो देखो इनसाइड आउटसाइड आ रहा आपका, ठीक है। आपने आउटसाइड करना है, अप्लाई पे क्लिक करो तो आउटसाइड इफेक्ट आएगा इसका। तो आपने सेंटर पे क्लिक करना, अप्लाई करो, सेंटर पे आ जाएगा। अब आगे है सॉरी आपका नेक्स्ट कलर, यहाँ से आपने कलर कौन सा करना है वही कलर इफेक्ट आएगा उस पर जो आपको कलर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सलरेट, वही गैपिंग जो उसमें था ब्लेंड में वही है इसमें, गैपिंग आ रही है, कलर में भी आएगी और स्टेप्स के अंदर भी आएंगे आपकी। ये था आपका ब्लेंड। आगे है हमारा एनवलप। एनवलप एनवलप में क्या है, जो आपको यहाँ पर एनवलप एक कराया गया है, एक सिंपल ऑब्जेक्ट लो। ऑप्शन आपके रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर, एनवलप या आप यहाँ से लो, देखो यहाँ से लेना पड़ेगा आपको, तब ये एक्टिव हो जाएगा आपका अपने आप। अब यहाँ से एनवलप टूल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक विंडो आ जाएगी, ठीक है। तो इस विंडो का क्या यूज है, देखो जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर है आपकी, ध्यान दो, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ से कराया था, क्या कराया था देखो, यदि अब आपकी इसकी शेप चेंज करनी है, ठीक है, आप बड़ी आसानी से कोई भी शेप चेंज कर रहे हो उसको। अब आप चाहते हो नहीं कोई पर्टिकुली जैसा ये देखो ऐसे बांगा टेढ़ा हो रहा है, आप सोच रहे हो नहीं ऐसा ना आए, किसी और स्टाइल में आए। तो देखो अब इस पे क्लिक किया आपने, इस वाले पे, ठीक है। तो अब आप जो शेप लोगे तो सॉरी अब शेप चेंज करोगे तो देखो इसी शेप में होगी, क्योंकि आपने यहाँ पर इस पे क्लिक किया हुआ था, देखो इसी शेप में शेप चेंज हो रही है। अब आप यही चीज़ यहाँ से कर सकते हो। तो अब हम दूसरी शेप लेते हैं, मैं यहाँ पर ये वाली शेप सिंगल आर्क ले लेता हूँ। तो इसमें क्या होगा, जब आप इसको शेप देने की कोशिश करोगे तो ये जो आपने यहाँ से सेलेक्ट किया था उसी के अकॉर्डिंग ये ऐसे शेप में कन्वर्ट होएगा, शेप आएगी इसके ऊपर। आगे देख लेते हैं, यहाँ से अब एक हो रहा है इसमें आगे, ठीक है, जैसे डबल आर्क दिया इसने, अब इसमें क्या होगा वो भी देखते हैं। अब इसमें और उसमें देखो हल्का सा इफेक्ट है, हमें लगता है कि नहीं है सर, लेकिन है। देखो यहाँ पर ये शेप और ये शेप कुछ मैच हो रही है, और लेकिन यदि आप ये वाली शेप यूज करोगे इस पे, ये वाली शेप, और अब आप इस पे ये वाला टूल यूज कर रहे हो, तो अब जो है वो टूल ठीक से नहीं यूज होएगा, वो इस प्रकार की शेप आएगी या आपसे इस प्रकार की शेप आएगी, ठीक है। एक बार करके देखें, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट के अंदर ही एक्सट्रूड। 2D ऑब्जेक्ट को 3D में बदलना हो आपने तो इसका यूज करते हो। पहले एक एक्सट्रूड करना पड़ेगा आपको, एक ऑब्जेक्ट कोई भी एक ड्राइंग लो। अब की बार हम सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, सर्कल को थोड़ा बड़ा करके देखेंगे, पहले हमने रेक्टेंगल को किया था। तो अब एक्सट्रूड करते हैं इसको, एक्सट्रूड पे आएंगे आप, यहाँ से एक्सट्रूड पे क्लिक किया, अब इसको बाहर की तरफ खींच लेना है, ठीक है। कितना आपने एक्सट्रूड करना है वो आप देख लेना भी, एक्सट्रूड कितना रखना चाहते हो। यदि आपने इसकी प्रॉपर्टी आपको चेंज करनी है तो देखो मैंने आपको यहाँ पर सिखाया था टूल के अंदर, तो यहाँ पर आप इसकी जो थिकनेस है या उसका जो स्पेस है इंक्रीज व डिक्रीज कर सकते हो। देखो ऐसे पोजीशन चेंज हो रही है, ये तो यहाँ पर होएगा आपका, देखो ये लंबा हो रहा है, यहाँ पर आपका ये कम हो रहा है। चलो जितना करना था आपने कर लिया। अब यहाँ पर मैंने बताया था आप इसको रोटेट करके देख सकते हो,
ऐसे रोटेट करके, ये देखो रोटेट होके नज़र आ रहा है। फिर मैंने यहाँ पर कहा था कि यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है, कलर मैंने आपको लेना सिखाया था यहाँ पर, देखो वही कलर आ गए। तो यहाँ नहीं, अब हम यहाँ से करते हैं, यहाँ पर एक्सट्रूड, तो यहाँ पर क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पर एक विंडो खुल रही है, नहीं खुली, खुलनी चाहिए, अच्छा खुल रही है थोड़ा, व्हाट्सएप, सॉरी व्हाट्सएप नहीं हुई, कोरल ड्रॉ में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। तो यहाँ पर पहले पे क्लिक करो, सॉरी यहाँ पर तीसरे नंबर पे, नहीं, आया ही नहीं आपका, ये एक्सट्रूड नहीं सिलेक्ट है, सॉरी ये कंप्यूटर थोड़ा हैंग हो रहा है शायद, आई थिंक थोड़ा रुक रुक के चल रहा है ये, कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो गई है। आ गया, आप देखो आप यहाँ से इसको जो चीज़ देखो जिस एंगल में आपको यहाँ पर सेट करना है इसको, तो देखो यहाँ पर उसका प्रीव्यू नज़र आ रहा है आपको, ये ब्लू लाइन सी जो आ रही हैं, और आपका कंप्यूटर भी बड़ा हैंग हो रहा है, सॉरी हमारा, क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा बड़ी ड्राइंग हमने बना दी है, ठीक है, हाँ इसको समझ ही नहीं पा रहा बेचारा ये। तो जो भी एंगल आपको यहाँ से लेना है वो यहाँ पर ऐसे नहीं दिखाई देगा, आपको उस पर अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे आप अप्लाई करोगे तो वो उस पोजीशन में अप्लाई हो जाएगा आपका, जैसे आप ये अप्लाई पे क्लिक किया तो ये इस पोजीशन में आ गया, इसका हम साइज कम करते हैं वरना तो ये हमारे कंप्यूटर को हैंग कर देगा। तो ये था आपका, अब एडिट करना है तो एडिट पे जाओ वापस, किसी और एंगल आपने देनी है इसको, कोई और एंगल दो और अप्लाई पे क्लिक करो, उस एंगल में आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको कलर देने हैं, कलर एडिट पे जाओ, यहाँ से कलर कौन से रखने हैं, शेड रखनी है, यहाँ पर येलो कर दी, यहाँ पर आपने रेड कर दी और अप्लाई कर दिया, तो यही वाला शेड इस पे आ जाएगा, ठीक है। आगे फिर आपको बेवल बताई थी हमने, बेवल, बेवल क्या होता है, ये पॉइंट होता है, जैसे जैसे पेंसिल की नोक होती है तो ऐसे हम बेवल बनाते हैं, अब इसकी आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट भी वैल्यू डाल सकते हो यहाँ पर और ऐसे वन बाय वन भी डाल सकते हो। ये बेवल जो है किनारे पे बनेगी इसके, तो हम 1 इंच, 1 इंच है क्या, कितना है, चलो हमने एक पे क्लिक किया और अप्लाई किया, तो यहाँ पर जो है बेवल तो बन गई है हमारी, लेकिन एंगल कुछ गलत दे रखा था हमने, एंगल कम करते हैं हम। देखो आपका कंप्यूटर जो है वो वर्क नहीं कर पा रहा है, वैसे तो कंप्यूटर हमारा ठीक चलता है, नज़र ना लगे इसको, लेकिन आज इसको पता नहीं क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर इसको कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा है ये। चलो अप्लाई करते हैं हम, अप्लाई पे क्लिक करो, तो अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो, तो ये देखो ये इसे बेवल बोलते हैं, ये आपको एंगल के अकॉर्डिंग समझना पड़ता है, ऐसे नहीं बनेगी कि आपने सोचा कि मेरी पेंसिल बन जाए, तो ऐसी नहीं बनेगी आपकी, ठीक है। और एंगल इसका आप जिस एंगल पे आपने देखना है उस एंगल पे आप इसको रख सकते हो, तो ये पेंसिल बन गई आपकी, ठीक है। ये था आपका एक्सट्रूड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा लेंस, ये नया ऑप्शन है, ये पहले नहीं आया बिल्कुल भी, और इसमें क्या होता है, लेंस किसी ऑब्जेक्ट को आप लेंस में कन्वर्ट करते हो, कैसे अभी बताता हूँ। जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट ले रखे हैं दो तीन, वो टेक्स भी हो सकते हैं, और एक सर्कल, जरूरी नहीं है सर्कल हो, आपका कोई रेक्टेंगल भी हो सकता है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, इनमें कलर लेने हैं अलग अलग, और कलर लेने के बाद यहाँ पर टेक्स भी लिख देना कोई, हम ऐसे लिख रहे हैं कुछ फिलहाल, तो कंप्यूटर हैंग हो गया है, प्लीज वेट, देखो आपके कंप्यूटर में अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार कोरल ड्रॉ को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करें, मुझे भी करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हमने टेक्स्ट लिख दिया है, और टेक्स्ट आप किसी कलर में लो, ऑब्जेक्ट आप किसी कलर में लो। अब आपने सिंपल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और उसको लेंस में कन्वर्ट करना है, लेकिन एक बात ध्यान रहे, जो आपका ये ऑब्जेक्ट है ये फ्रंट में होना चाहिए, फ्रंट में कैसे आएगा, आपको यहाँ से अरेंज में ऑर्डर में फ्रंट करना है इसको, ठीक है।
अगर आपने फ्रंट नहीं किया तो लेंस जो है ठीक से काम नहीं करता। तो लेंस पे आना, आपने यहाँ पर लेंस पे क्लिक करोगे, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक विंडो खुलती है लेंस की। यहाँ पर कौन सा इफेक्ट डालना है आपने, जैसे आपने ब्राइटनेस पे क्लिक कर दिया, ब्राइटनेस पे क्लिक करने के बाद कितनी परसेंट ब्राइटनेस होनी चाहिए, यानी उतने परसेंट जो है ब्राइटनेस इसके अंदर आ जाएगी। देखो देखो ब्राइट होके नजर आ रहा आपका, ठीक है। ये ब्राइटनेस इफेक्ट डाला था आपने, कोई और इफेक्ट डालते हैं। कोई और इफेक्ट है हमारा एड कलर। भाई जब भी हम क्लिक करें तो रेड कलर जो है 50% या 60% अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो नहीं हो रहा है, तो आपका सॉरी लॉक तो नहीं है कोई ऑब्जेक्ट, अप्लाई करते हैं एड कलर। आई थिंक इन पे क्लिक करना पड़ेगा। अप्लाई नहीं, आपको चल नहीं रहा है। वैसे चलता है ये, कोई और टूल लेके देखते हैं, कोई और इफेक्ट। कलर लिमिट, इन्वर्ट अपोजिट कलर जो होते हैं, ये भी नहीं चल रहा आपका। नहीं, फिर आपके ड्राइंग में कोई गड़बड़ है या ऑब्जेक्ट में कोई गड़बड़ है। एक मिनट, इसको हम दोबारा से करते हैं। डिलीट करके, मैंने शीट डिलीट करके दोबारा ली और अब चला के देखते हैं। हम ब्राइट ऐड कलर था हमारा, और ऐड कलर में हमने कोई भी कलर पे क्लिक कर देना, और 50% उसमें इफेक्ट आना चाहिए अप्लाई। तो अब सॉरी, आपको ना ये उठा के लेके जाना है, और उसमें अभी भी नहीं चल रहा है। तो आपका इन्वर्ट कलर पे क्लिक करके देखते हैं अप्लाई, ये तो चल रहा है। चलो इन्वर्ट क्या अपोजिट कलर दिखाएगा, उल्टे कलर आपको दिखाएगा ही। और ये आपको दिखा रहा है, जहाँ पर वाइट है वहाँ पर ब्लैक दिखा रहा है, जहाँ पर वाइट है और जहाँ पर ब्लैक है वहाँ पर वाइट, और वाइट की जगह ब्लैक। कोई कलर लिमिट करनी है आपने, कलर जो है 50% ऐड हो गया, ये तो वही है। हाँ अब आ रहा, अब चल रहा है इसमें ना 50% कलर जो है, या सॉरी 70, आपने ज़्यादा कर दी, कम करो, 40% कलर जो है ऐड होके दिखेगा आपको, जैसे टैक्स आपको ऐसे। तो ये आपको लेंस में कन्वर्ट कर दिया। चलो यहाँ भी नहीं समझ में आ रहा, तो एक चीज़ में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मैग्नीफायर। मैग्नीफायर पे क्लिक कर दिया, जैसे कितने एक्स आपने उसको जूम करना है, जैसे 2x, 3x, 4x, नहीं होते हैं पबजी में भी होते हैं। तो यहाँ पर आप इसको अब देखोगे तो ये आपका मैग्नीफायर बन गया, जूम बन गया है। तो जूम करके दिखा रहा, कैसे पता लगेगा, टेक्स्ट पे लेके जाओ देखो, फिर आपको पता लगेगा कि हाँ ये मैग्नीफायर बन चुका है। तो ये आपका मैग्नीफायर यानी लेंस बन चुका है, तो इसे लेंस बोलते हैं। यहाँ से कोई भी इफेक्ट आप लगाओगे तो उसी में आपका, जैसे वायर फ्रेम पे क्लिक कर दिया अप्लाई, तो आपको ये वायर फ्रेम में नजर आएंगे ऑब्जेक्ट, देखो ठीक है। कोई भी इफेक्ट आप यहाँ से लगा सकते हो, बड़े आसान है। जो भी आपको लगता है इनमें से, उस इफेक्ट पे क्लिक करना, अप्लाई करना है, फ्रिक्वेंसी आपने उसकी कितनी रखनी है, कम ज़्यादा रखनी है, तो वो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इफेक्ट के अंदर ही ऐड पर्सपेक्टिव। ऐड पर्सपेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्ट या पिक्चर या कुछ भी को शेप देने के लिए होता है। सपोज करो कि, एक मिनट, पहले है ना हम कोई 3D ऑब्जेक्ट लेते हैं, इसी को बना लेते हैं 3D। हम अदर ऑब्जेक्ट डिलीट कर देते हैं, हम 3D में कन्वर्ट करेंगे इसको, यानी बॉक्स टाइप बनाना है आपने इसको। और कितना लंबा करना है वो आप देख लेना, यहाँ से उसको आप रोटेट करोगे थोड़ा सा, हल्का सा, हो नहीं रहा है ठीक से। हम जो यहाँ पर लाइव प्रीव्यू आ तो जाता है, लेकिन ठीक से दिखता नहीं हमें। चलो अब ठीक है, तो आपने इस पे क्लिक करना है, तो इस प्रकार ये बॉक्स के रूप में आपको दिखेगा। अब आप यहाँ पर कोई चीज़ आपने लगानी है इसके यहाँ पर, यहाँ पर कोई फोटो, कोई इमेज, कोई नाम। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। जैसे ये ऐड पर्सपेक्टिव आप इस पे करते हो, तो ऐड पर्सपेक्टिव में क्या होगा आपका, कि आपका ना यहाँ पर सेप आ जाती है, जैसे सेप टूल नहीं होता आपका, सेम ऐसा ही होता है। आप इसको ना ऐसे चेंज कर सकते हो, ऐसे, ठीक है। तो अब आपको कहोगे जी ऐसे चेंज करने से होगा क्या, ऐसे ऐसा करने से बहुत सारी शेप बन जाती हैं। सपोज करो, एक मिनट में आपको ना नेम पे दिखाता हूँ, ऐसे नहीं, कोई नाम लिखते हम,
डिजिटल कंप्यूटर, आपने नाम लिखा और उसको बड़ा किया, यहाँ से साइज दे देना है कोई, और अब आप है ना इसको इसके ऊपर अटैच करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर कैसे भी इसके ऊपर अटैच करना चाहते हो कि आपको ये इसके ऊपर अटैच हुआ नजर आए, तो ये कैसे आएगा, कैसे आएगा, जैसे भी आप लगाने की कोशिश करो शायद ये नहीं आएगा, तो हम करेंगे क्या अब, तो हम अब ऐड प्रस्पेक्टिव में आएंगे, एक मिनट में जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और ऐड प्रस्पेक्टिव पे आना है, ऐड प्रस्पेक्टिव पे आने के बाद अब आपकी है ना शेप आप इसकी ऐसी लगाओगे कि ये इस पे लगा हुआ नजर आए, ठीक है, आप कैसे भी अपने हिसाब से बना लेना जैसे आपको ठीक लगती है, अगर ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो इसका ऐसे छोटा कर दो, ठीक है, अगर ऊपर नीचे करना वो भी कर सकते हो आप, ऊपर नीचे तो आप इससे भी कर सकते हो, तो यहाँ पर देखो ये जो है इसके ऊपर लगा हुआ नज़र आ रहा है आपको बिल्कुल एज इट इज, अगर अभी भी लगता है नहीं सही बात नहीं बनी है तो आप और भी चेंज कर सकते हो इसमें ऐड पर्सपेक्टिव में आके, आप खुद जब इस पे इफेक्ट डालोगे तब आपको सही नज़र आएगा, जैसे मैं एक पिक्चर इंसर्ट करके दिखा देता हूँ अभी आपको, कोई इमेज हम लगा के देखते हैं, इमेज पे भी लग जाता है, इमेज कोई भी लगा लो, आपने ये इमेज अब इसके यहाँ लगानी है, ये यहाँ लगानी है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लगाएंगे तो थोड़ा ठीक नहीं नज़र आ रही है, तो हम इसको इसके अकॉर्डिंग लगा देंगे ऐड प्रस्पेक्टिव से, ऐड प्रस्पेक्टिव पे आएंगे, कहाँ गया हमारा ऐड प्रस्पेक्टिव, चला क्यों नहीं है, अच्छा सॉरी ये बिट मैप पे चलेगा आपका, ये आपको फोटो बिट मैप में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, और बिट मैप में कन्वर्ट करने के बाद अब ऐड प्रस्पेक्टिव चल जाएगा, ये तो अभी भी नहीं चला है, देखते हैं क्यों नहीं चला, ऐड प्रस्पेक्टिव चलाने के लिए इस फोटो पे हमें कुछ इस पे प्रोसेस करना पड़ेगा, ये जेपीजी पिक्चर जो होती है ये नहीं लग पाएगी इस पे, तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से बिट मैप में आना है, बिट मैप में और ट्रेस बिट मैप पे, ठीक है, ट्रेस इसकी ना इसको ना आउटलाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये इसका कोरल का ही एक सॉफ्टवेयर है ट्रेस बिट मैप, वो ओपन हो जाएगा और आपकी फ़ोटो यहाँ पर ओपन हो जाएगी, तो अब इसको ना आउटलाइन में ट्रेस करना, आपने पिक्चर कोई दूसरी लेते हैं तो पहले ही धुंधली सी है, कोई और पिक्चर लेते हैं, हम इम्पोर्ट करो, क्योंकि जब आप ट्रेस बिट मैप में करोगे ना तो इसके पिक्सल थोड़ा कम हो जाएंगे पिक्चर के, डेस्कटॉप पे ही थी पिक्चर हमारी, पिक के नाम से फोल्डर ये रहा, इसमें से कोई और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने इंपोर्ट कर दिया यहाँ पर, अब इसको सिंपल ऐसे लगाना चाहेंगे तो ऐसे ना तो लगेगी, और लगा भी दोगे तो ये ठीक नहीं लगेगी लगी हुई, ठीक है, अजीब सी दिखती है क्योंकि इसके जो एंगल है वो मैच नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ट्रेस में ट्रेस बिट मैप पे जाओगे, यहाँ पर आप ट्रेस बिट मैप पे क्लिक करोगे, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे एक सॉफ्टवेयर में ओपन होती है आपकी ये पिक्चर, और यहाँ पर आपको इसको आउटलाइन में कन्वर्ट करना है, उसके लिए अपने ट्रेस पे जाना है, आप इनमें से जो भी आपको अच्छी लगती हो, जैसे सेंट्रल पे क्लिक करके देखते हैं, ये कन्वर्ट नहीं हो रही है, क्या कह रही है, ये हो जाना चाहिए था कन्वर्ट, तो इसको हो गई हो गई हो गई, अच्छा ठीक है, एडवांस जो आपको जिसमें फोटो ठीक से दिखती हो उस पे आप क्लिक कर देना, इसमें ठीक दिख रही है, कुछ ठीक दिख रही है, अब आपको इसको सेव करना है, अब यहाँ से सेव पे जब क्लिक करोगे तो ये नाम मांगेगी फाइल का, तो आप डेस्कटॉप पे या कहीं पर भी इसको सेव कर सकते हो, यानी इसको किसी अलग नाम से आपको सेव करना पड़ेगा,
ए बी सी ऐसा कुछ हमने नाम दे दिया इसको, ठीक है। और एक मिनट, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे सेव। और अब आप यहाँ से कट कर देना इसको। कट करोगे तो आपको लगता है कि ये फ़ोटो जो है अब लग जाएगी, नहीं, ये अभी भी आपकी जेपीजी ही फ़ोटो है, ऐड परस्पेक्टिव देखो नहीं चला। तो अब क्या करेंगे, तो ये जो फ़ोटो थी इसको आप डिलीट कर दो और यहाँ पर इंपोर्ट करो वो फ़ोटो जो अभी आपने ऐड परस्पेक्टिव, सॉरी क्या था, आउटलाइन में कन्वर्ट किया। तो वो डेस्कटॉप पे थी और फोटो का नाम हमने कुछ ए बी कुछ ऐसा डाला था, हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर आ जानी चाहिए ए बी, ये रही, ठीक है। ये आपकी कोरल की ही फाइल होएगी, तो यहाँ पर आपको ये ए बी कुछ ऐसा आपने फाइल का नाम दिया था। अब इसको हम इम्पोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट जब करोगे तो वापस से जैसे आमतौर पे आप हम इम्पोर्ट करते हैं वैसे ही इम्पोर्ट करना है, बस यहाँ पर इसके थोड़े पिक्सल जो है थोड़ा कम हो जाएंगे, ठीक है। क्लियरिटी जो है ट्रेस आउटलाइन में लगाने से थोड़ा कम हो जाती है। उसके बाद हम जाएंगे इफेक्ट पे, सॉरी पहले तो इसको आप ग्रुप कर देना क्योंकि इसको जो है ना टुकड़ों में बट चुकी है, आप एक बार ग्रुप कर देना इसको, वैसे करो या ना करो ग्रुप करने में थोड़ा ठीक रहता है। अब आप यहाँ पर ऐड परस्पेक्टिव पे आएंगे, पहले आप यहाँ तो लेकर जाओ इसको, यहाँ पर लगानी है ना, हम इस साइज में लगा लेते हैं पहले हम इसको। अब हमने कुछ यहाँ पर लगानी है ये, तो क्या करेंगे हम यहाँ से ऐड परस्पेक्टिव में आएंगे, ऐड परस्पेक्टिव पे क्लिक किया। अब यहाँ पर आओ, तो यहाँ पर अब आपको इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा, जूम कर लो, जूम करके करोगे तो ठीक लगेगी। तो कहाँ थे हम, ऐड परस्पेक्टिव पे, वापस से ऐड परस्पेक्टिव। और अब हम यहाँ पर इसको चेंज करते हैं, कैसे करना है आपको एंगल देखना है कि इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है, ठीक है। उस डिस्टेंस पे यहाँ लगाओगे और यहाँ पे डिस्टेंस इसका देखना है, तो यहाँ पर ऐसे लगाओगे आप, ठीक है। थोड़ा प्रोसेस लेगी, लग जाएगी लेकिन पिक्चर आपकी, पिक्चर तो लग गई है। अब आपको है ना जैसा भी अपना लुक बनाना है बॉक्स का, एंगल ध्यान से रख के आप पिक्चर को सेट करोगे। अब ये यहाँ से इतना है तो इसको भी इतना ही करना पड़ेगा आपको। आप एक बार करोगे आपको पता लग जाएगा कि आपको कितनी सेटिंग करनी है, क्योंकि लुक भी बनानी ज़रूरी है, लगाना लगाना ज़रूरी नहीं है कि फ़ोटो लगी हुई अच्छी लगे, मतलब लगना चाहिए कि भाई हाँ बॉक्स पे फोटो लगी हुई है, यहाँ पर तो आप एक डिज़ाइन बना रहे हो सिर्फ, तो ऐसा कुछ है। और इसको अगर शिफ्ट करना है इधर तो आप मूव भी कर सकते हो उसको ऐसे, ये जेड इसके साथ शायद सेलेक्ट हो गया हमारा ये वाला, कोई बात नहीं, चलो आप अप डाउन करना हो तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हमने लगा दी है ये, और एक बार हम प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। एक बार लाइन मिलाने के लिए आप यहाँ पर ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कि ये लाइन जो है इस लाइन से मैच होनी चाहिए, तकरीबन मैच ही है, तो नीचे वाली भी ऐसे मैच कर देना। चलो नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल से ठीक दिखेगी आपको, ठीक है। तो ये फ़ोटो आपने लगा दी यहाँ पर ऐड परस्पेक्टिव से, कोई पिक्चर लगानी हो, कोई टेक्स्ट लगाना हो, आप ऐड परस्पेक्टिव से लगा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा पावर क्लिप। पावर क्लिप के अंदर ऑप्शन है प्लेस इनसाइड कंटेनर। पावर क्लिप का यूज़ किस लिए किया जाता है, जब कोई ऑब्जेक्ट आपने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट करना हो, कैसे, आप जैसे खासकर आई कार्ड जैसे हम बनाते हैं किसी का, और उसमें आपको कोई फ़ोटो इंसर्ट करनी पड़ जाती है। जैसे हम एक यहाँ पर फोटो फ्रेम बनाते हैं, तो इसके अंदर अब आपको स्नैप लगानी है किसी स्टूडेंट के, एम्प्लॉयज की। अब स्नैप तो ऐसे भी लग सकती है,
कि आप इम्पोर्ट में जाओ, इम्पोर्ट में जाने के बाद कोई पिक्चर लो यहाँ से, पिक्चर लेने के बाद पिक्चर पे क्लिक करो और पिक्चर ड्रॉ करो यहाँ पर, तो पिक्चर आपकी आ जाएगी। लेकिन जैसे ऐसे आपने ड्रॉ कर दी, ठीक है, लेकिन ये जो पिक्चर है ये फ्रेम के जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर नहीं, उसके ऊपर है, हम चाहते हैं उसके अंदर इंसर्ट हो जाए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। थोड़ा जूम कर लो, आपको पता भी लग जाएगा हो क्या रहा है। तो ये फोटो आपने इसके अंदर डालनी है, या ये भी एक ऑब्जेक्ट लगा लो और ये भी एक ऑब्जेक्ट लगा, इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर आपने इंसर्ट करना है। तो आपने पिक्चर को सेलेक्ट करना है, पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद इफेक्ट में आना है, पावर क्लिप पे, यहाँ पर प्लेस इनसाइड कंटेनर पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे एक तीर का निशान आ रहा है, ये तीर का निशान आप जिस भी रेक्टेंगल पे या सर्कल पे क्लिक करोगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, तो वो ऑब्जेक्ट यानी ये पिक्चर जो है इसके अंदर इंसर्ट हो जाए। देखो बाउंड्री पे क्लिक करना है ऐसे, तो ये देखो ये इसके अंदर इंसर्ट हो गई है, ये पिक्चर इसके अंदर इंसर्ट हो गया, ध्यान से देख सकते हो आप। अगर आपको लगता है कि ये फोटो गलत लग गई है, अब होता क्या है, ये इसके अंदर है ना फिक्स हो गई है, नहीं निकाल सकते आप इसको, एक तरह से वेल्ड या ग्रुप हो गई है इसके साथ ही। अब आपको फोटो चेंज करनी पड़ जाती है कि फोटो गलत बच्चे की लग गई है, गलत इम्प्लॉयज की लग गई है, अब क्या करें हम। तो वापस से प्लेस इनसाइड कंटेनर में जाएंगे, सॉरी पावर क्लिप में, अब पावर क्लिप में जाएंगे हम। अब देखो यहाँ से तो हमने कंटेंट इंसर्ट किया था, यहाँ से एक्सट्रैक्ट में क्या करेंगे, वो बाहर निकल जाएगा, हम डिलीट कर सकते हैं। और एडिट में क्या है, उसको हम एडिट कर सकते हैं। एडिट मीन्स जैसे अब इसको आपने छोटा करना है, आप छोटा कर सकते हो, बड़ा करना है आप बड़ा कर सकते हो, ये एडिट है। और फिनिश एडिटिंग पे क्लिक कर दोगे तो फिनिश एडिटिंग, यहाँ पर देखो फिनिश एडिटिंग आ जाएगी, तो वापस से ये उसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट भी करा देता हूँ, एक्सट्रैक्ट में क्या होता है, एक्सट्रैक्ट में जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये फोटो जो है इस ऑब्जेक्ट से बाहर आ जाएगी, ठीक है। ये था आपका एक्सट्रैक्ट, और उसके बाद है हमारा रोल ओवर। रोल ओवर आपका मैंने व्यू में छुड़वा दिया था, यहाँ पर व्यू के अंदर आओ, यहाँ पर मैंने कहा था मैं आगे सिखाऊंगा, आप आगे बताऊंगा रोल ओवर क्या होता है। रोल ओवर ज़्यादातर वेबसाइट वगैरह वगैरह यानी नेट की फाइल पे देखने के लिए मिलता है, जैसे कि ये पिक्चर या ड्राइंग किसी पे भी चला सकते हैं, ज़रूरी नहीं मैं आपको पिक्चर पे चला के दिखाऊंगा तो पिक्चर पे ही चलता होगा, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको चला सकते हो। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, दो या तीन फोटो लेनी पड़ती हैं, और जैसे आप नॉर्मल कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जैसे नॉर्मल कुछ दिखाई देगा, जैसे आप उसके ऊपर माउस लेके जाओगे तो कुछ और दिखाई देगा, और जब आप क्लिक करोगे तो कुछ और दिखाई देगा। तो ऐसा कैसे होगा देखते हैं हम। तो करना क्या है, आपने सबसे पहले इम्पोर्ट से एक पिक्चर इंसर्ट करनी है, इम्पोर्ट में आएंगे, पिक्चर इंसर्ट करोगे कोई भी, मान लो यही ले लेते हैं, और आपने इम्पोर्ट कर दिया इसको, ठीक है। अब जितना भी साइज लेना आपने ले लेना। इम्पोर्ट करने के बाद अब आपने वापस से इफेक्ट में आना है और रोल ओवर पे क्लिक करना है, क्रिएट रोल ओवर पे क्लिक कर देना। ये जो फोटो है आपकी क्रिएट रोल ओवर में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आगे का प्रोसीजर क्या है, आगे का प्रोसीजर है आपका वापस से आपने इफेक्ट में जाना है, अब रोल ओवर के एडिट ऑप्शन में जाना है आपने। एक्सट्रैक्ट से ये अलग हो जाएगी, लेकिन फिलहाल हमने एडिट पे जाना है, ठीक है। और जैसे आप एडिट पे क्लिक करते हो, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर है ना आपके तीन पेज अपने आप बन गए, ये मैंने नहीं बनाए हैं। मैं एक बार दोबारा फिर करा देता हूँ शुरू से, अगर नहीं समझ में आया हो, हम फाइल को क्लोज करते हैं, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ आपको मैं। यू आर क्लोज, अच्छा ये मना कर रहा है इसको करने के लिए, दूसरी पे करते हैं हम। सबसे पहले हम इम्पोर्ट में गए, इम्पोर्ट से हमने कोई भी पिक्चर ले लेनी है, हमने ये पिक्चर ले ली और हमने इंसर्ट कर दी, हो गए इंसर्ट। अब यहाँ पर ध्यान दो, अभी एक ही पेज है यहाँ पर, फिर आप क्या करोगे, इफेक्ट में रोल ओवर और क्रिएट रोल ओवर पे आप क्लिक करते हो, ठीक है।
अब आपने यहाँ पर क्लिक किया तो देखो यहाँ पर पेज अब अभी भी वन है। फिर आपने करना क्या है, फिर वापस से हमने इफेक्ट में क्लिक करना है, रोल ओवर में। अब हम एडिट रोल ओवर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर तीन पेज आ जाते हैं। नॉर्मल, नॉर्मल में आपको कौन सी फोटो दिखानी है उसके बारे में कह रहा। आवर, आवर जब माउस लेके जाओगे तो कौन सी आएगी, क्लिक यानी क्लिक करने के बाद कौन सी आएगी वो दिखाएगा। ठीक है, अब देखो तीनों पेज पे एक ही फोटो होगी। आप इनको ना अपने हिसाब से डिलीट कर सकते हो, किसी भी पेज का डिलीट कर सकते हो। जैसे नॉर्मल पे आपको ये रखनी है, ठीक है, लेकिन आवर पे आपको ये वाली पिक्चर नहीं रखनी है। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट में जाएंगे और वहां से कोई और अनदर पिक्चर इंसर्ट करेंगे। अब हम ये कर लेते हैं, ठीक है। और आप इस वाली पिक्चर, एक मिनट, जो ये पहले वाली पिक्चर है ना, इसको डिलीट कर दो आप। और यहाँ पर देखो एक फ्रेमिंग आ गई है, उस फ्रेमिंग में आपने इसको सेट करना है। अगर सेट हो रही है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, आगे पीछे भी चल जाता है। और अब ये फिर आपको ऐसे स्ट्रेच करनी पड़ेगी थोड़ा, ठीक है। तो ये आपने आवर पे सेलेक्ट करी है यहाँ पर देखो। अब हम डाउन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर डाउन पे हमने क्लिक किया और डाउन पे भी वही पिक्चर आया, हम इसको डिलीट कर देते हैं। देखो एक फ्रेम आया हुआ है यहाँ पर हमारे पास। अब इसके अंदर कोई हम अनदर पिक्चर और इम्पोर्ट करते हैं, यहाँ से इम्पोर्ट पे गए, क्लिक किया हमने और यहाँ पर कोई और पिक्चर इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे ये हमने पिक्चर इंपोर्ट कर ली यहाँ पर, और इसको इस फ्रेम के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे। कोशिश करो कि इस जैसी बने, ना बने तो आप थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो। तो अब हमने क्या किया है, देखो यहाँ पर डाउन में हमने ये वाली फोटो लगाई है, आवर में हमने ये वाली फोटो लगाई है, और नॉर्मल में हमने ये फोटो लगाई है। ठीक है, अब तक तो चलो ठीक था, लेकिन इसका यूज क्या है, क्या मतलब हो जाएगा ऐसा कुछ करने से, तो अभी देखते जाओ। अब आपने वापस से अरेंज में जाना है और पावर क्लिप में फिनिश एडिटिंग पे क्लिक करना, सॉरी रोल ओवर में जाके फिनिश एडिटिंग रोल ओवर पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये फोटो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी नॉर्मल में, और यहाँ पर वो जो आवर और कुछ डाउन पेज आ रहे थे, नॉर्मल पेज आ रहा था, वो आपके चले जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होगे कि माउस में ऐसे लेके जाऊंगा तो ये कुछ बदलेगी, ऐसे कुछ नहीं बदलती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब हम जाएंगे, देखो यहाँ पर तो ये कोरल ड्रॉ 12 है, इसमें ऑप्शन यहाँ पर ये नहीं होता, लेकिन अगर आप लेटेस्ट वो वर्जन यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको यहीं पर एक लाइव कुछ रोल ओवर क्लिक करके एक ऑप्शन मिलता है आपको, ठीक है। और 12 में कहाँ पर है, 12 में व्यू के अंदर है, व्यू में जाएंगे हम, और यहाँ पर देखो अनेबल रोल ओवर पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। और इसके आगे देखो यहाँ पर लिखा भी आ रहा है येलो कलर में, लाइव प्रीव्यू ऑफ रोल ओवर, ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, इसको लॉक से कि कुछ निशान आ जाएंगे इसके ऊपर। तो अब करना क्या है, आपने माउस इधर लेके जाना है, ठीक है। देखो अब हम माउस इसके ऊपर लेके जा रहे हैं तो अपने आप ही फोटो चेंज हो रही है, ये देखो, ठीक है। और जब क्लिक करूंगा मैं, ये मैंने क्लिक किया तो अब ये आ रही है, क्लिक ये आ रही है, माउस लेके जा रहा हूँ तो ये, और हटा लूंगा तो ये, ठीक है। बड़ा ही कमाल का ऑप्शन है, आप एक बार यूज करके देखें, जरूर चलेगा आपसे। तो ये था आपका रोल ओवर। आगे हमारा जो इफेक्ट, कॉपी इफेक्ट। कॉपी इफेक्ट क्या होता है, हमने कोई भी टूल का टूल यूज कर रखा है कहीं पर, कोई भी टूल यूज कर रखा है, हम चाह रहे हैं कि सेम टू सेम इफेक्ट दूसरे में भी आ जाए। एक मिनट दिखा रहा हूँ कैसे, मैं दो तीन टूल ले लेता हूँ। इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पर हम कोई कलर इसका ले लेते हैं, जैसे ये ले लिया हमने, या कोई और ले लेना, ठीक है। और यहाँ पर भी आपने इसमें कोई चेंजिंग कर दी, जैसे स्टेप्स कम कर रखी हैं या ज़्यादा कर रखी हैं, ठीक है। एक्सेलरेट देख लेना कैसे करना है। अब देखो दो टूल हमने यूज कर लिए हैं और हमारे पास दो ड्राइंग, ये दो सिंपल ऑब्जेक्ट हैं, ये सर्कल भी हो सकता है, चलो सर्कल लेते हैं, ये सर्कल भी हो सकते हैं, दो सर्कल, ठीक है, और एक सर्कल और ले लेते हैं।
पे हमने ये कलर कर दिया, इस पे हमने ये कलर कर दिया। अब हमने हम सोच रहे हैं कि इन दोनों, इस पे और इस पे, इन दोनों पे ये वाला इफेक्ट आ जाए, जितने इसके अंदर स्टेप्स हैं वो आ जाए, या जिस भी एंगल पे सेट है, एक्सेलरेट है, वो इफेक्ट इस पे आ जाए। वैसे तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन ये तो आप यूज कर रहे हो ना, कॉपी इफेक्ट। देखो यहाँ पर जब हम आएंगे इफेक्ट के अंदर, तो यहाँ पर देखो ये जो कॉपी इफेक्ट पे कंटूर चला हुआ है, क्योंकि सिंगल ऑब्जेक्ट पे कंटूर चल सकता है, लेकिन ब्लेंड अभी एक्टिव नहीं है, क्योंकि ब्लेंड भी यूज किया ना हमने। तो ब्लेंड कैसे चलेगा, आपने इन दोनों को शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लेना है। दोनों को सेलेक्ट कर लिया, अब हम वापस से इफेक्ट में आएंगे। तो इफेक्ट में आएंगे तो यहाँ पर कॉपी इफेक्ट में देखो, तो अब ब्लेंड एक्टिव हो चुका है, ठीक है। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, एक एरो का निशान आएगा। देखो ब्लेंड क्या होता है, यहाँ भी हो सकता है, एक यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, या ये भी है। आप जिस भी ब्लेंड पे क्लिक करोगे, उसका इफेक्ट इन दोनों में नजर आएगा। जैसे आपने इस पे क्लिक कर दिया, तो इनका इफेक्ट इसके अंदर आ गया। अगर इसके अंदर स्टेप्स कुछ कम होते हैं, ज्यादा, देखो कलर नहीं आएगा, कलर तो उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा। अब हम ये सोच रहे हैं कि जो ये ब्लेंड के अंदर हमने स्टेप्स ली हैं, कम कर लेते हैं थोड़ा, 22 ले रखी है हमने, ठीक है। डिस्टेंस आप कम ज़्यादा देख लेना, तो इतने ही स्टेप्स इसके अंदर आ जाएं। हम सोच रहे हैं कि इसके अंदर कोई इसका इफेक्ट आए सेम टू सेम, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब वापस से अब हम जाएंगे अपना इफेक्ट के अंदर, इफेक्ट के अंदर कॉपी में गए, कॉपी इफेक्ट में देखो कंटूर एक्टिव है। ये सारे तभी एक्टिव होंगे जब आपने कई टूल ले रखे होंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपने देखो इस पे तो कोई क्लिक करने का बेनिफिट है ही नहीं है, देखो नहीं चल रहा है ये। लेकिन जब आप इस पे क्लिक करोगे कंटूर पे, यहाँ पर ये कंटूर ऑब्जेक्ट है ना, तो सेम यही इफेक्ट जो है इसके अंदर आ जाएगा। कुछ कह रहा है तो भाई, आ गया सॉरी। तो यानी इसका इफेक्ट आपका इसके अंदर आया है, ठीक है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर और भी हैं, देखो बहुत सारे हैं, और ये चलेंगे कैसे, जैसे ऐड पर्सपेक्टिव लगा रखा आपने किसी ऑब्जेक्ट पर, सेम टू सेम आप वही इफेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाना चाहते हैं, तो ऐड पर्सपेक्टिव चल जाएगा, एनवलप, एक्सट्रूड, आपने सेम टू सेम लगाना है तो सेम हो जाए। देखो एक एक कराऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं ऐड पर्सपेक्टिव और करा देता हूँ आपको। कॉपी इफेक्ट, उसके लिए क्या करोगे आप, कोई दो नए ऑब्जेक्ट लो, जैसे एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, दो तीन ले लेते हैं हम तो, अब यहां पर ऐड प्रस्पेक्टिव जो है आप यूज कर लो। इस पे ऐड प्रस्पेक्टिव यूज कर लिया आपने, कोई भी शेप दे दो, वैसे ही, मैं सिर्फ वैसे ही दे रहा हूं, कोई डिजाइन नहीं बना रहा हूं। तो ये शेप हमने इस पे दे दी, अब इस पे भी हम ऐड प्रस्पेक्टिव देना चाहते हैं, ठीक है। और इसको भी आप कोई अजीब सी शेप दे दो, कोई भी शेप दे दी आपने, मान लो कुछ इस टाइप की शेप दी, और इसको भी आप शेप दे दो, मान लेते हैं ये, ठीक है। तो ये तीनों इफेक्ट जो है ऐड प्रस्पेक्टिव के हैं। अब हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम ऐड प्रस्पेक्टिव इफेक्ट डालना चाहते हैं, सेम टू सेम ये वाला इफेक्ट, या सेम टू सेम ये, या सेम टू सेम ये। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इफेक्ट में आएंगे, यहाँ पर देखो इफेक्ट में ऐड प्रस्पेक्टिव ऑन है, तो हमने ऐड प्रस्पेक्टिव पे क्लिक किया। अब एरो का निशान है, यदि हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा, इस पे क्लिक करेंगे ये आएगा, या इस पे क्लिक करेंगे ये आएगा। तो हमने इस पे क्लिक करते हैं, देखो ये वाला इफेक्ट इसके अंदर आ गया। दोबारा देखते हैं, अब इसको नॉर्मल कैसे ऐड प्रस्पेक्टिव, अब दूसरा देखते हैं दूसरा आएगा कि नहीं आएगा। कॉपी इफेक्ट में गए हम, ऐड प्रस्पेक्टिव इस पे क्लिक किया तो ये आ गया। अब दोबारा गए हम इफेक्ट के अंदर, ऐड, ओ सॉरी, यहाँ पर क्या था आपका, ऐड प्रस्पेक्टिव, अब तीर का निशान आ गया है, यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे तो ये आ गया, ठीक है। तो अब कोई भी इफेक्ट कल को, जैसे जरूरी नहीं है मैं ये ऐड प्रस्पेक्टिव हटा रहा हूँ यहाँ से, कल को आपने इनमें से कोई भी इफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रखा है और हम चाहते हैं कि वो इफेक्ट हट जाए,
तो आपके अंडू करने से वो इफेक्ट नहीं हटेगा। देखो अंडू नहीं चलता यहाँ पर। और क्या करना पड़ेगा हटाने के लिए, तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर ये जो क्लियर ऑप्शन है ना, ये इसके आगे उस टूल का नाम आ जाएगा कि आप कौन सा टूल क्लियर करना चाहते हो। तो हमने यहाँ पर क्लियर ऐड प्रोस्पेक्टिव पे क्लिक कर देना, या प्रोस्पेक्टिव पे। तो ये देखो ये हट गया, अब आपको ये तो ये नॉर्मल हुआ क्योंकि वो लास्ट वाला हटा है। वापस से अब ऐड प्रोस्पेक्टिव क्लियर करो, देखो अब ये उसमें आ जाएगा वापस से एक बार, क्योंकि 3 बार आपने यूज़ किया था, अब ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑप्शन भी आपका नहीं चलेगा। देखो क्लियर वाला, बड़ा ही आसान है। क्लोन में भी ऐसा ही है, कॉपी और क्लोन एक जैसा ही होता है, बस हल्का सा डिफरेंस होता है। उसमें भी यही है कि कौन सा टूल चलाना है कौन सा नहीं। कॉपी इफेक्ट में आपके पास मेन्यू ऑप्शन में आ जाते हैं, क्लोन में आपके पास ब्लेंड, एक्सट्रूड है, कंटूर है और ड्रॉप शैडो है, इनकी क्लोन बना सकते हो, कॉपी बना सकते हो आप। तो ये था अरेंज मेनू हमारा, और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो समझाया बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। और यदि आपने फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, अरेंज या टूल की रिगार्डिंग कोई जानकारी लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उनमें जाके चेक कर सकते हो। और एक बात ज़रूरी, और यदि आप हमारा सॉरी हमसे कोई समझाने में मिस्टेक हो रही हो, या हमारा कोई वॉइस है वो आपको ठीक ना लग रही हो, तो उसके लिए सॉरी, और उसको इग्नोर करें आप और कुछ सीखने की कोशिश करें। और यदि चैनल आपको अच्छी नॉलेज दे रहा है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके, थैंक यू।